3000 आए हैं, तो कितना राशन पानी आप लेके आए साथ? बहुत ज्यादा राशन, छह महीने का राशन पानी सबको नाल लिया है। अच्छा, 6 महीने का राशन नाल लेके आए हो, तो वो चिंता से ता ही कर जो हमारी जमीन नहीं रहनी, जो हमारा जवानी किसानी बर्बाद हो गई तो सर अभी की कर लो, उन्होंने बुलाया भी जाओ जाके लड़ाई लड़ो। अच्छा, ये नाले गोले किट्ठे करके लिया थल्यों पुल दो। अच्छा, सारे जड़े है और कई भी लिखा। ये देखो पोलोथीन भर लिया पूरा आपने, तो इतने गोले आ गए। असी तो हरियाणे के किसानों को बेनती करा हाथ जोड़ के भी बीजेपी का ज चटाले परिवार का जो पोता बीजेपी ने सांझ पाई बैठा है भी वह किसानों को पिंड गाँव च आता है वह विरोध कर, पर भाई बीजेपी और उस परिवार को किसान हरियाणे के भाइयों को बेनती करेंगे भी उनको वोट ना दो। शंभू बॉर्डर पर लगातार वो संख्या है किसानों की वो बढ़ रही है, कुछ किसान हमारे साथ हैं। बाबा राम राम। राम राम जी। क्या क्या नाम आपका? मंगर सिंह, किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब। अच्छा, कहाँ से आप आए? तरन तार जिला, पिंड पुचर ग्राम। कितनी दूर होगा ये शंभू बॉर्डर से? ये तो मैं 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर आप दूर आए हैं, कितनी गाड़ियाँ आप लोगों की आई हैं? गाड़ियाँ देखो जिले दियाँ मेरे हिसाब ना 3000 का बंदा वा। 3000 गाड़ियाँ, ट्रैक्टर ट्रेली ये पिकअप वगैरह सब 3000? 3000 आए हैं, तो कितना राशन पानी आप लेके आए साथ? बहुत ज़्यादा राशन, छह महीने का राशन पानी सबको नाल लिया है। अच्छा, 6 महीने का राशन नाल लेके आए हो। अच्छा, हाँ मतलब किस तरह से हो आप, एक घर में से एक आया है या कैसे इकट्ठे कैसे हो के आए? घर आने बजे के दो दो आदमी आए हैं, घर से दो आदमी। तो मतलब घर वालों को चिंता नहीं होती कि भाई हर घर से दो दो लड़के जा रहे हैं, बुजुर्ग जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, कुछ हो गया तो क्या होगा? कोई चिंता नहीं, वेखो हमारी जो जमीन जा रही है साढ़े जो हक वो मिलते नहीं गए, तो वो चिंता से ता ही कर जो हमारी जमीन नहीं रहनी, जो हमारा जवानी किसानी बर्बाद हो गई तो सर अभी की कर लो, उन्होंने बुलाया भी जाओ जाके लड़ाई लड़ो। अच्छा बाबा, आप बिल्कुल यहीं पर बैठे हो, पीछे इतनी सारी वो हो रही हैं, मतलब आवाज़ें आ रही हैं, ये एक के बाद एक, एक के बाद एक आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। हाँ, कोई अं तो बेच गोले आवा किन्ने फट के लिया। अच्छा, आप आपकी उम्र कितनी होगी है? मैं मेरी 75 साल है। 75 साल है, अभी भी खूब भाग दौड़ रहे हो? मैं ना सू कोई परवाह नहीं, अं तो बेच गोले जो उनके कई उन्होंने लिया। अच्छा, गोले उठा ले जा लिया गोले फट के, एक कई लिया फौजियां की उतों। अच्छा, ये नाले गोले किट्ठे करके लिया थल्यों पुल दो। अच्छा, सारे जड़े है और कई भी लिखा। ये देखो पोलोथीन भर लिया पूरा आपने, तो इतने गोले आ गए। ये देख सकते हैं तस्वीरें, देखिए किस तरह से जो हमारे बाबा जी हैं 75 साल की उम्र हो गई है, और ये देखिए आंसू गैस के जो गोले हैं ये देखो ये कैसा है, अग्निवर्षा, ये क्या है, ये फटता है, ये बॉम्ब है, इसमें पित्तल के निकलते छरे। अच्छा, ये जैसी गोली रफल की है उसी गोली इसमें निकलती है, हमारे लगा है इसमें पित्तल निकलता है। आपके भी पैर में लगा? हाँ, ये गोडे में फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर होगा? हाँ, ये खून निकलता रहा, अब बनने आया, ये इसमें छरे निकलते हैं। ये देखो ये मोदी का चेहरा है इसमें, ये देखो कुछ है इसमें बॉम्ब, और ये निकल रहा है अग्नि वर्षा इस पे लिखा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसमें से पित्तल निकलते हैं। देखो पित्तल के इतना कचरा हमने निकाला फिर इसमें पट्टी करा। अच्छा, ये देखो कितनी तरह के जो हैं वो गोले इकट्ठे कर लिए किसानों ने, ये सारे आके यहाँ पे लग रहे हैं इनके, और छर्रे इनमें से निकल रहे हैं। बाबा थोड़ी बहुत भी मतलब ये नहीं होता कि भाई ये क्या हो क्या रहा है ये चीज़ है ना। अब बीजेपी का कोई नेता हमारे गाँव में आएगा घुसेगा भी, ये उसको स्वागत करेंगे इसके साथ। अच्छा, यही दिखाओगे आगे लिए? इसको देंगे, हाँ उसके माला पाल देंगे अपने लो, जो मोदी सरकार ने किसानों में अत्याचार किया अब हमारे से वोट मांगने हैं, ये बिकने वाले नहीं है ना, पंजाबी किसान नहीं बिकते, ये उसको स्वागत के लिए बाबा जी ने रखे हुए हैं। नहीं, लेकिन हरियाणा में तो जिस तरह से कह रहे हैं मंत्री के दिल्ली जाना, आप लोगों का क्या मकसद है जब समस्या का समाधान आपका चंडीगढ़ में हो रहा है? अरे भैया पहला भी हम एक साल बैठे रहे, जो इन्होंने इनमें पे विश्वास करके हमारे किसान उठाए एक साल बैठ के, उसके बाद इसने फिर लॉलीपॉप दे दिया। जिसने हमारे से बात करनी है लोकसभा में, अब इजलास बैठा है प्रधान उसी दिल्ली में, वहां लान कर देवे तो किसान वापस मर जाएंगे।
बिल्कुल ये देख सकते हैं आप तस्वीरें किस तरह से किसान जो है ये बम्ब जो है इकट्ठा कर लिए हैं, सारे जितने भी आंसू गैस के गोले बरसाए गए थे कुछ हैं ये, लेकिन यहाँ पे तो हजारों हजारों की संख्या में बरसाए गए थे। अभी भी इनमें से वो धुआं निकल रहा है, गले में लग गया। ये देखो ये फट के बज दिए। अच्छा ये देखो ये वो गोलियां हैं, कल हमने आपको दिखाया था वो रबड़ की गोलियां, और आज हम आपको दिखा रहे हैं ये प्लास्टिक की, पता नहीं किस चीज की है। पित्तल निकलता बैठा। अच्छा अंदर से पित्तल निकलता है, ये वो गोलियां हैं। और अब किसानों ने ये ठान लिया है कि जब भी कोई नेता आएगा इनके दरवाजे पे वोट मांगने के लिए, सबसे पहले स्वागत उनका इसी चीज से किया जाएगा। फिलहाल जो है ये किसान पहुंचे तरन तारण से, तकरीबन 3000 ट्रैक्टर ट्रॉलियां वो तरन तारण, तकरीबन 250 किलोमीटर दूर, 200-250 किलोमीटर दूर है तरन तारण, और 3500 ट्रैक्टर यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़े संगठन उग्राहा समेत और तमाम भी कई संगठन हैं जो अब किसानों का साथ देने का ऐलान कर चुके हैं। और आज ट्रेन भी रोकी गई थी, कल भारत बंद है, और उसके बाद देखते हैं अगला कदम क्या होगा। बाबा जी जे ना कोई इन्हें मंगा मनिया अगे फिर ये सख्त जो हाडे प्रधान अगे करनगे ते मीटिंग करके ये वड्डा एक्शन करांगे। आ गया ना आप इधर 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 आज एक बार ही आ जाओ। बड़ा गुस्सा हो रहा है आपको? गुस्सा तो है ही है, क्योंकि असी भी हिंदुस्तान के वासी हैं, सानू ये पाकिस्तान नालों ज्यादा भैड़ा बार्डर विखा रहे हैं, है ना। इन्हें तो पाकिस्तान भी जाना हो सू देर नहीं लगती जिनी देर ये लवा रहे हैं। जे असी हिंदुस्तान के वासी हैं जो उत्थे जाके बह जाएंगे असी अमन शांति नाल बैठांगे, असी आपकी मंग बना के वापस आ जाएंगे। ये खट्टण नूं तां लोड़ ही नहीं, बीजेपी नूं लोड़ ही नहीं इस काम की जिहड़ा कर रहा है। उधर गोले दाग रहा है, ये तो हिंदुस्तान छड़ के खालिस्तान आप बनाई खड़ा। असीं तां हरियाणे दे किसानां नूं बेनती करांगे हथ जोड़ के भी कि बीजेपी का जां चटाले परिवार का जिहड़ा इहदा पोता बीजेपी नाल सांझ पाई बैठा है भी उह किसानां कोले पिंडां च गाँव च आउंदा है उहदा विरोध करन, पर भाई बीजेपी नूं और उस परिवार नूं वोट, किसान नूं हरियाणे के भाइयों को बेनती करेंगे भी उनको वोट ना दो, ये किसान विरोधी है। मतलब दुष्यंत चौटाला को भी आप यहाँ से बात कह रहे हैं? उसका दोस्त बनया बैठा, उसका दोस्त है तो भी तो हमारा दुश्मन ही हो गया। क्या बात है, ये देख सकते हैं ये बड़ी बात अब निकल के सामने आई है। किसान कितनी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रख रहे हैं कि जो गठबंधन की सरकार है हरियाणा में और जेजेपी जो है और दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके लिए भी यहाँ से एक नसीहत निकल के सामने आ रही है कि वो भी बीजेपी सरकार के साथ हैं, तो इसलिए उनका भी विरोध जो है वो किसान जता रहे हैं। यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरें यहाँ से, और बने रहिएगा हमारे साथ और अपडेट हम आपको वो लगातार यहाँ पर देते रहेंगे।